जायंट फिश मोटरबाइक रेस्क्यू। बुंदेलखंड के गांव में एक नदी रहता था। उस नदी के अगल बगल गांव वाले आकर नदी में मछलियों को पकड़ते थे। इतना ही नहीं, उस नदी में एक बड़ी मछली को पूजा भी करते थे। एक दिन जब सब लोग उस मछली को प्रणाम कर रहे थे, तो उधर ध्रुव कहकर एक आदमी बाइक पर आया। तब उस मछली को देखकर ध्रुव, हाय फ्रेंड, तुम ही हो ना इन सारे गांव वालों को अच्छे से देखभाल करने वाला फिश किंग। तब रुक्मिणी कहकर एक औरत, क्या रे बेटा, छोटे बड़े का फर्क ना करते हुए हमारे मछली देवता को फ्रेंड बोल रहे हो? अरे ओ रुक्मिणी जी, मुझे तो उनका बुलाना अच्छा लग रहा है। आप लोगों से प्रणाम करवा के मुझे तो बहुत बोर हो रहा है। देखा आपने, मेरा मछली दोस्त मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। अब आप बीच पे पंचायत मत करो। उनके बारे में छोड़ दो फ्रेंड, तुम्हें मुझसे क्या सहायता चाहिए पूछो। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड, मैं तो केवल तुम्हारे महानता के बारे में सुना था, एक बार देखने के लिए आया, अब तुम्हारा दोस्त बन गया। मेरा तो इसमें कोई महानता नहीं है। इस धरती में हर जीवी को एक ना एक दिन मरना ही होगा। उस मौत के नजदीक रहने वाले मछली त्याग करने के लिए तैयार होते हैं, और मैं उनको इन गांव वालों को देता हूँ। बस जो भी हो, तुम तो बहुत ग्रेट हो फ्रेंड, हम फिर मिलेंगे, कहकर चला गया। बाद में ध्रुव कभी कभी उस मछली के पास आना और फ्रेंडशिप करने के वजह से वे दोनों अच्छे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। लेकिन लोग तो ध्रुव पर यकीन नहीं करते थे। ध्रुव के साथ फ्रेंडशिप नहीं करने के लिए मछली से कहते थे, लेकिन वो मछली नहीं सुनता था। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उस नदी के पास साहू कहकर एक तांत्रिक उनके अनुगामी भिक्षु के साथ आया। तब भिक्षु साहू से, गुरु, हम इधर क्यों आए हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे ओ मूर्ख, हम इधर इसलिए आए हैं कि इस नदी में मछलियों को और वो बड़ा मछली को बलि देने के लिए, कहकर एक मंत्र पढ़ा। तुरंत उस नदी में से बड़ा मछली बाहर आई। उसे देखकर साहू, अरे ओ मछली, शिष्टा पूर्वक इस नदी में छोटे मछली से लेकर बड़े मछली तक सबको बाहर लेकर आओ और उनको बलि के लिए तैयार करो। तुम्हें इस जन्म में ही नहीं, किसी भी जन्म में तुमसे नहीं होगा, क्योंकि मैं सब मछलियों को छुपा दिया। देखो, तुमसे पहले बड़े बड़े तांत्रिक इधर आकर मुझसे पंगा लेकर भाग गए हैं। जाओ जाओ, अगर इस गांव के लोग तुम्हें देखेंगे तो चुपचाप नहीं बैठेंगे। कह रहा था तो उधर उस गांव के लोग आए। तब उनको देख कर साहू, हाँ, लोगों को दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? देखो अब इन लोगों से क्या करता हूँ। ओम क्रीम झट फट, कहा। तब वे सब लोग पत्थर जैसे बदल गए। अब उस बड़ी मछली को उनका मंत्र के छड़ी से घुमाया तो वो आसमान में उड़ गई। देखा, पानी में रहने वाला तुम अब किधर हो? मैं दो दिन में वापस आता हूँ, अच्छे से सोच लो, नहीं तो मैं सबको राख कर दूंगा, कहकर उनका अनुगामी के साथ उधर से चला गया। बाद में उधर ध्रुव आकर आसमान में उस मछली को देखकर हैरान हो गया। अब मछली को क्या हुआ है कहकर पूछा तो मछली उस तांत्रिक ने जो किया वो बताया। ऐसे कैसे हो गया? इसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? प्लीज, मुझसे जो हो सकता है वो करता हूँ। उसके लिए एक ही रास्ता है फ्रेंड, तुम मेरे मुंह के अंदर जाना होगा। मेरे मुंह के अंदर एक हीरा है, उसे लेकर उन पत्थरों को छुआ तो वो सब फिर से वापस मानव जैसे बदल जाएंगे और मैं भी उस तांत्रिक के मंत्र से मुक्ति पा सकता हूँ। तब ध्रुव उनका दोस्त विक्रम को फोन करके उधर बुलाया। तब विक्रम उधर आकर मछली को देख कर, देखो ध्रुव, तुमने ये बात कहने के बाद मैंने हेलीकॉप्टर के बारे में इंक्वायरी किया, कम से कम एक हफ्ता लगेगा कह रहे हैं। अब के अब कुछ करना है तो मुझे एक सर्कस ओनर मालूम है, उसके पास कम वजन ट्रेन का ट्रैक्स है, उनको लाकर मछली का मुंह तक सीढ़िया जैसे लगाते हैं, बाद में बाइक पर कोई मछली के मुंह के अंदर जाना है। ऐसा कौन कर सकता है? वो तो जान के लिए खतरा हो सकता है। मैं जाता हूँ मेरे यार के लिए, पहले उस सर्कस ओनर को बुलाओ विक्रम, प्लीज। तब विक्रम कुछ आदमियों के मदद से उस मछली के मुंह तक ट्रेन ट्रैक्स को लगाया। अब ध्रुव उनके बाइक के ऊपर जान को बाजी पर लगाकर उस मछली के मुंह के अंदर गया।
उस मछली के मुंह के अंदर हीरा को निकलकर बाहर निकला। और उस हीरे को पत्थरों पर लगाया तो वे पत्थर फिर से मनुष्य जैसे बदल गए और वो मछली भी वापस नदी में आ गया। अब गांव वाले ध्रुव और उनका दोस्त को मदद करने के लिए बहुत धन्यवाद कहे। अगले दिन साहू उधर आया। उधर मछली और लोग नहीं रहने से भिक्षु से साहू, अरे इधर तो मामला गड़बड़ लग रहा है, हम इधर से चले जाएंगे नहीं तो हमारा जान को खतरा हो सकता है, कह रहा था। तब ध्रुव और लोग उनको घेर लिए। अब वो मछली नदी से बाहर आया। वो आकर मुंह खोली तो तांत्रिक और भिक्षु उस मछली के मुंह में चले गए। तब सब लोग तालियां बजाए। फ्लाइंग कार। चिरू नाम के गांव में गुप्ता नाम के व्यक्ति का प्रसून नाम का बेटा था। वो लड़का तो बहुत होशियार था पर हर कोई उसकी शिकायत करता रहता था। एक दिन प्रसून और गुप्ता अपने घर के पास थे कि स्कूल के टीचर वहां आकर, क्यों गुप्ता जी, प्रसून ने तो स्कूल की तरफ आना ही छोड़ दिया। क्या स्कूल चालू है? पर इससे पूछा तो ये कह रहा था कि एक महीने तक स्कूल की छुट्टियां हैं। ऐसा कहा उसने? अरे आपका बेटा स्कूल में अजीबोगरीब प्रयोग करता रहता है। सबसे कहता है कि ड्रोन खरीद लो, वो कहता है कि ड्रोन के सहारे से हम हवा में उड़ सकते हैं। सबको बिगाड़ता है आपका बेटा। क्यों बेटे, क्या मास्टर जी सच कह रहे हैं? पढ़ने के लिए स्कूल भेजा तो यूं बेकार की आदतें डालकर बच्चों को बिगाड़ते हो। देखिए पिताजी, मैंने किसी से झूठ नहीं बोला। अगर सचमुच के ड्रोन्स हो तो हम हवा में उड़ सकते हैं। अगर आपका और मास्टर जी को ये बात ना पता हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखा आपने, ऐसे ही हमेशा बच्चों को कुछ ना कुछ बनाने के लिए कहता रहता है। और तो और, क्लास में हम जो पाठ पढ़ाते हैं उसे वो अपने मर्जी से कुछ ना कुछ बना कर कहता रहता है। हम इससे तंग आ चुके हैं। मास्टर जी आप बुरा ना माने, मुझे तुरंत जरूरी काम से गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। मैं एक हफ्ते बाद आकर आपसे मिलता हूँ। ये सुनकर अध्यापक वहाँ से चला गया। बाद में प्रसून से गुप्ता, देखो बेटे मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना, माँ अकेली है, आकर तुम्हारी खबर लूंगा, कहकर चला गया। दो दिन बाद प्रसून के घर के पास लालू और जीतू नाम के दो व्यक्ति आए। एक दिन उन दोनों को रिमोट कार और ड्रोन्स के साथ खेलते हुए देखकर प्रसून उनके पास गया। हेलो भैया, आपके रिमोट कार्स और ड्रोन्स बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे भी खेलने देंगे? क्यों जीतू, लगता है अपने छोटे उस्ताद बड़े तेज हैं। उसे समझाओ कि ये खेलने के लिए नहीं किसी प्रयोग के लिए लाए हैं। भैया अगर आप अपने रिमोट कार और चार ड्रोन्स मुझे देंगे तो मैं सवेरे तक इसे फ्लाइंग कार में बदल कर दूंगा आपको। अगर ये खराब हो जाए तो मैं अपने पिताजी से कहकर आपको पैसे दिला दूंगा। प्लीज एक बार दीजिए भैया। तब लालू जीतू से, अरे ये क्या यार, ये छोटा पैकेट बहुत चैलेंज कर रहा है, इस पर भरोसा कर सकते हैं क्या? अरे भैया आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं, बहुत तेज हैं ये। बचपन में हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए हम पढ़ नहीं पाए और चोर बन गए ना, आज मैं एक बड़ा साइंटिस्ट होता, जानते हो। अरे बस कर यार, अब तुम इस गांव में ढिंडोरा पीटोगे क्या कि हम यहाँ चोरी करने आए हैं? पहले उसे अपने वश में करो और उससे फ्लाइंग कार बनवाओ। अरे छोटे ये मना कर रहा है पर मुझे लगता है कि तुम कुछ ना कुछ करोगे जरूर। मुझे तुम में एक फ्यूचर साइंटिस्ट नजर आता है। ये ले जाओ और इसका एक फ्लाइंग कार बनाओ और तुम अपना और मेरा नाम रोशन करो। यूं प्रसून ने रात भर बैठकर उन चारों ड्रोन और रिमोट कार को जोड़कर एक फ्लाइंग कार बनाया। बाद में लालू और जीतू के पास प्रसून पहुंचा। क्यों भैया देखा ये फ्लाइंग कार? कहकर खुद रिमोट को ऑपरेट करता हुआ उस फ्लाइंग कार को हवा में खूब ऊंचाई पर उड़ाने लगा। तब
लालू जीतू से। अरे यार, ये छोटा पैकेट तो बहुत बड़ा पैकेट निकला, अगर इसे भी अपने साथ ले ले तो खूब पैसे ही पैसे कमा सकते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, उसे पहले नीचे उतरने दो, उसके बाद उसके साथ हम डील बात करते हैं, कहकर प्रसून को नीचे उतारा। फिर जीतू प्रसून से, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे तुमसे मिलना हमारी खुशकिस्मती है, अगर तुमने एक बार हमारी मदद कर दी तो तुम्हारी और हमारी जिंदगी संवर जाएगी। तुम ऐसे और 100 फ्लाइंग कार्स बना सकते हो। मुझे करना क्या होगा? अजंता ज्वेलर्स में हम चोरी करके वो जेवर तुम्हें देंगे, उन्हें लेकर तुम फ्लाइंग कार में उड़ जाओ, बस तुम्हें हम 50 लाख रुपए देंगे। अगर आप सचमुच पैसे देंगे तो मुझे मंजूर है, पर धोखा नहीं देंगे ना? अरे ये क्या कह दिया यार, हम तुम्हें धोखा देंगे? नो वे। अगले दिन अजंता ज्वेलर्स के बाहर प्रसून फ्लाइंग कार में बैठा था। तब लालू और जीतू गहनों की थैली के साथ आए और उस थैली को प्रसून को सौंपा। उसे लेकर हवा में उड़ता हुआ प्रसून, भैया आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, कहकर फ्लाइंग कार में उड़ता हुआ चला गया। सब लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे। तब प्रसून ने उस फ्लाइंग कार को पुलिस स्टेशन के बाहर उतारा। लालू और जीतू भी वहां दौड़े दौड़े आए। जब उन्होंने देखा कि वो पुलिस स्टेशन है तो वहां से भागने की कोशिश करने लगे। तब एसआई और कांस्टेबल्स ने पकड़कर उन्हें खूब मारा। तब जीतू से प्रसून, मैं पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ, ये ना जानते हुए तुम लोग मुझे हिस्सा दे रहे थे। अरे किराए पर घर लेने से पहले ये तो जान लिया होता कि तुम्हारे आस पड़ोस में कौन रहता है, चोर कहीं के। कहकर वो फ्लाइंग कार लेकर अपने घर चला गया। चोरों को पकड़ने में पुलिस की मदद करने के लिए प्रसून को सरकार ने साहसी बालक का पुरस्कार भी दिया।